बढ़ती ऊर्जा मांग और क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भजनलाल सरकार ने बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसके तहत राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी एवं RVUNL के बीच जॉइंट वेंचर की स्थापना की जाएगी। ये उपक्रम 25,000 मेगावाट की हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगा। इसके साथ ही ट्रांसमिशन प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर। और इसी संबंध में माननीय राठौर साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा, इससे संबंधित ही NTPC ग्रीन एनर्जी एवं RVUNL के मध्य एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा। वही प्रदेश में बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव को कम देश भर में मेट्रो के विस्तार पर काम किया जाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो रेल नीति होगी। केंद्र और राज्य की संयुक्त कंपनी के गठन का अनुमोदन किया गया है। इसमें 50-50% हिस्सेदारी रहेगी। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास परिचालन के लिए होगा। कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए JV, मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलतापूर्वक JV का यही मॉडल अपनाया गया। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान चिकित्सा सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब सरकार मेडिकल कॉलेज में आचार्य सह आचार्य के पद रिक्त रहने पर उन्हें